शिव महापुराण की कथा हम लोग सुन रहे हैं। भगवान शिव की कथा के रूप में स्वयं भगवान शिव ही हैं। कथा के रूप में कौन है? शंकर भगवान ही है। ऐसे तो शंकर जी को पकड़ के अंदर बिठाना, शिव जी की शिव मूर्ति आप उठा के अंदर बिठाएंगे क्या? मुश्किल पड़ेगी महाराज। पर शिव जी का तत्व, शिव जी का स्वरूप, शिव जी का ज्ञान, शिव जी की कृपा, शिव जी का अनुग्रह, ये भी भगवान शिव के रूप ही हैं। भगवान शिव के इन रूपों को हम शिव की कथा सुन करके अंदर बिठा सकते हैं, उतार सकते हैं, इनके हम पात्र बन जाते हैं, भाजन बन जाते हैं। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान हमारे ऊपर कृपा बरसाते हैं। शिव जी जानते हैं मेरे हाथ में त्रिशूल भी रहता है, मेरे गले में नाग भी रहता है, मेरे कानों में बिच्छू भी टंगे रहते हैं। अगर ऐसा किसी से कहो कि ये शंकर जी चले आ रहे हैं, इनको अंदर बिठा लो, तो आदमी कहेगा कि शंकर जी को बिठा लेते पर सांप को क्या करेंगे भैया? शंकर जी को अंदर बिठाएंगे तो सांप भी अंदर ही चला जाएगा। ये शंकर जी बैठ जाए, सांप जाने कहां घूमता फिरेगा महाराज, मुश्किल ही कर देगा। तो हम जैसे शंकर जी को देखते हैं मंदिर में या मूल स्वरूप में, वैसे शंकर जी को बिठाने में दिक्कत है। पर वही शिव जी को जब हम शिव महापुराण की कथा सुनते हैं तो वही भगवान शिव हमारे हृदय में उस रूप में प्रवेश कर जाते हैं, व्याप जाते हैं, बैठ जाते हैं कि हमें आम सांप का बिच्छू उच्छू का डर भी नहीं लगता है और भगवान शिव का हमें सानिध्य भी प्राप्त हो जाता है। और खास करके कलयुग है जिसमें हम लोगों का जन्म हुआ है, इस कलयुग में ज्यादातर लोगों का स्वभाव आसुरी हो गया है। इनको कैसे भगवान से जोड़ा जाए? इसीलिए कृपा करके भगवान शिव स्वयं ही श्री शिव महापुराण के रूप में प्रकट हो गए हैं, स्वयं प्रकट हो गए हैं। हम लोग 7 दिन तक सुनेंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम यहाँ बैठ करके शिव जी को अंदर उतार रहे हैं। कान के दोनों से जो शिव तत्व है, जो शिव रस है, जो शिवानंद है, उसको हम लोग अपने हृदय में उतार रहे हैं। आप लोग कुछ मत करना, खाली बैठे बैठे सुनते रहना महाराज। 7 दिन में आप जैसे आप 7 मिनट रोटी खाते हो तो 7 मिनट के बाद लगने लगता कि अब पेट, 7 मिनट कम बता दिया, 14 कर लो, हमने तो ऐसे ही बोल दिया महाराज। तुम कहो कि हम रोटी 14 खाते, 7 मिनट में कैसे पूरी होंगी? तो 14 कर लो, हम कहो उसमें मना थोड़ी कर रहे हैं। पर जितना देर हम लोग भोजन करते हैं फिर एक समय के बाद लगने लगता है कि अब पेट भर गया है। ऐसे ही भजन करते करते एक समय के बाद अंदर से लगने लगता है कि अब शिव मिल गया है।